Now watch all the episodes only on Lehre app. You both are looking very good, very pretty, and you are very handsome. Thank you so much. Thank you so much. और कहते हैं वो तराशने वाली नजरें चाहिए, खूबसूरत तो सब भी होते हैं. So thank you. हमें खूबसूरत कहने के लिए टेली अवार्ड है. कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप दोनों, और किस कैटेगरी में आप लोगों को नॉमिनेट किया गया है? आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एंड या वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. देखिए मैं भी जैसे मैंने पहले कहा है कि छोटा सा नॉमिनेशन मेरा भी है. और मोइना प्लीज़ बताएं मैं किस में नॉमिनेटेड हूँ, प्लीज़ ज़रा. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर. Yeah. Oh my God! Thank you. छोटा बोल के इतने बड़े हो गए. So yeah, hopefully जिन्हें भी मिले वो deserving हो और ऐसे अच्छा काम वो करते रहे और बाकी सभी nominated. I think a nomination only is a very good thing. I think thanks to God and thanks to our mummy daddies. अच्छा. For supporting us till this time of our life. So yeah. अच्छा ये जिस कैटेगरी के में आपने बात की, दोनों को ये अवार्ड मिल जाता है तो किस तरह से इसे सेलिब्रेट करोगे? देखिए इतना एक्चुअली ना मैं ज़्यादा सोचते ही नहीं इतना. हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की कि नॉमिनेटेड है, और सबसे अच्छी बात कि सब सितारों को दोबारा से मिलने का मौका मिला, क्योंकि काफ़ी टाइम हम सब अपने काम में काफ़ी बिजी रहते हैं और वक्त नहीं मिल पाता मिलने का. सो नहीं आप ही बताओ. सो आई थिंक आजकल नॉमिनेशन एंड अवार्ड के स्ट्रेस से ज़्यादा लोगों को रेड कार्पेट का स्ट्रेस होता है कि क्या कपड़े पहने, ओ माय गॉड क्या मैचिंग, क्या ये क्या वो. लिटरली मैं कुछ टाइम के लिए भूल गई थी अबाउट माय नॉमिनेशन. आई वाज ओ कपड़े क्या, यू नो, बट देन सडनली इट केम टू माय हेड एंड नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट्स हैपनिंग. अच्छा सब जानते हैं कि आप काफ़ी अच्छी डांसर है, DID में भी लोगों ने आपको देखा. यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस होने वाला है कि नहीं आपका? जी बिल्कुल परफॉर्म करेंगी, ये हम आशा करते हैं कि अगले साल. लेकिन इस साल तो क्योंकि मैडम की बहुत जैसे कि आप कमिटमेंट्स, ये आप देख सकते हैं, बहुत खुशी की बात है ये. और मैं बचा रहा हूँ तेरे को, रुक जा, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे आ रहा हूँ. बट यस मैं आशा ये करता हूँ कि अगर परफॉर्म करेंगी तो बहुत अच्छा करेंगी और शायद अगले साल करें, क्यों मोइना, या क्या पता तुम्हें वैसे स्टेज पर बुला लें. नहीं First of all, congratulations for both of us. No, he's my friend. मैं दोस्त तो ये अभी जो कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, इनके पति और हैं. मैं सिर्फ हाथ दिखा रहा था इनका, ये पूरी दुनिया ने देखा है मेरे होने वाले पति कौन है. हमने भी देखा है, हम तो थे वहाँ पर. चलो कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको भी, मुझे भी आज ही पता चला. प्लीज 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 कोई बात नहीं. मेरा पति होने वाला पति दिखेगा, ही इज सो बैड. मैंने कुछ नहीं कहा, मैडम ने कहा है. इट्स ओके इट्स ओके. बट नेट में बहुत सारी रूमर्स आ रही थी, तो अच्छा आप लोगों ने क्लियर कर दिया. जब से स्टार्ट हुई थी तब से लोगों को पता है हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने वाहियात हैं, और सिर्फ फ्रेंड्स ही एक दूसरे के साथ ऐसे हो सकते हैं. और यस मतलब कोई सवाल है तो पूछिए. तो आपने स्पीचलेस कर दिया. सो कब करने वाली हैं आप शादी? आपने ये तो बता दिया, अब लोगों को जाननी है कि भाई मुझे लगेगा कि नाउ आई कैन से द डेट आउट टू एवरीबडी, आई विल टेल एवरीवन. अच्छा अगर बात करें आउटफिट की, तो बहुत ज़्यादा अभी ना ट्राउज़र लुक का अभी चल रहा है ट्रेंड, लाइक एयरपोर्ट लुक बोले या फिर मार्केट या फ्रेंड्स के साथ चिल करना हो, आप क्या कहेंगे इस लुक के बारे में, और आप कितनी ज़्यादा कम्फर्टेबल? I think I'm most comfortable in track pants and crop top or you know some like nice sweatshirt. But to airport, that is my airport look actually. Track pants or jeans and sweatshirt. That's what you want to know, right? Airport look you want to know, na? Ah. Yeah, that's my look. मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ मम्मा को इतना बोलता हूँ, मम्मा सुबह फ्लाइट, तो जब सुबह फ्लाइट के दो घंटे पहले मेरे कपड़े तैयार होते हैं, और जो मम्मा डिज़ाइन करती है ना वो कमाल है. ये लिटरली करेक्ट है, क्योंकि आंटी ने मेरे लिए भी कभी कुछ ना कुछ तो लिया ही, और गौरव के लिए भी. थ्री ऑफ अस आर बेस्ट फ्रेंड्स, सो गौरव के लिए भी आंटी ने कुछ ना कुछ निकाला है, मेरे लिए भी निकाला है. ऋषि के लिए तो रोजी, ही डजंट नो व्हाट ही हैज इन हिज कबर्ड. सो फाइनली अब अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? यार फैंस ना मतलब इतने मतलब बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि आपका प्यार भी उतना ही बढ़ता जा रहा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि रिमोरव को आपने इतना प्यार दिया, हमारे व्लॉग्स को, हमारे यूट्यूब चैनल को, इट्स अमेजिंग. और ये रिश्ता को आप इतना प्यार दे रहे हैं वो भी और क्रेजी है. और प्लीज़ ऐसे प्यार बनाते रहें, और मैडम को हमेशा सपोर्ट ऐसे करते रहें. मैं तो आपके साथ
ये तूने से तो किया नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। आई वॉन्ट टू डू बेटर।